की वीडियो में मैं सरवाइव करने वाली हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट सर्वाइवल पी, और इन 100 डेज में मेरे साथ क्या क्या आने वाले वो तुम देखोगे इस वीडियो में और इसके आने वाले दूसरे पार्ट। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग अपना वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। तो हम अपने वर्ल्ड का नाम रखेंगे फिक्सिंग की दुनिया। ओके, सो लेट्स क्रिएट। ओके, तो हम लोग स्पॉन हो चुके हैं और हमारा स्पॉन काफी ज्यादा अच्छा है और प्लेन लैंड भी है, और सामने मुझे पम्पकिंस भी दिख रहे हैं, इसका मतलब विलेज यहीं कहीं पर है। बहुत अच्छा स्पॉन मिला है हमें। खैर, सबसे पहले हम लोग वुड कट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेती हूँ। अभी मैं अपने टूल्स बना लेती हूँ। अभी हम एक्सप्लोर करके आते हैं कि हमारे स्पॉन पॉइंट पे हमें क्या क्या मिला है। ओके, तो हमारे स्पॉन पॉइंट पे मैं थोड़ा सा ही दूर गई थी कि मुझे फाइनली विलेज भी मिल चुका है। अब जल्दी से हम विलेज लूटने चलते हैं, और मुझे यहीं से ब्लैक स्मिथ भी दिख गया है। सबसे पहले हम लोग बेड बना लेते हैं। सो आई जस्ट रियलाइज के मैं विलेज में हूँ और मैं बेड लूट भी सकती थी, पर फिर भी मैंने शीप्स को मारा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इस घर में चल के देखते हैं, क्या पता हमें कोई चेस्ट वगैरह दिख जाए। अभी हम चल के ब्लैकस्मिथ देखते हैं, क्या पता उसमें हमें डायमंड ही मिल जाए। लेट्स गो। ओके, तो अभी इसके अंदर चलते हैं, चेस्ट खोल के देखते हैं कि चेस्ट में क्या है। यहाँ पे चेस्ट में मुझे डायमंड तो नहीं मिला है, पर आयरन की सॉर्ड मिल गई है, नॉट बैड। अभी यहाँ पे जो भी सामान है हम उठा के चल लेते हैं, फ्री का माल हम नहीं छोड़ दे। अभी हम इस घर में चेक करते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। यहाँ बैरल है, बैरल में और कुछ भी नहीं है। अभी कुछ तो डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, अभी चलते हैं। हम इस घर में चेक कर लेते हैं, इस घर में भी कोई चेस्ट वगैरह नहीं है, यहाँ से भी बाहर निकलते हैं। यहाँ पर एक टॉर्च लगी, हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ, मुझे रुइन पोर्टल भी मिल गया, पर शायद इसमें कोई चेस्ट वगैरह नहीं है। चल के देखते हैं। यहाँ मैं खाई में गिर चुकी हूँ यार। यहाँ पर एक केव है और सामने मुझे कोल दिख गया है। बस अभी ये कोल तोड़ लेती हूँ मैं थोड़ा सा। ओके, तो मुझे यहाँ से काफी ज्यादा कोल मिल गया था। अभी जो है मैं इस कोल को लेकर चलती हूँ। अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मुझे एक स्केलेटन दिख गया है, मैं इसको मार के फिर मिलती हूँ। मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही आग से मर गया। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक रोइन पोर्टल भी मिल गया है, मैं इसके पास चल के देखती हूँ। यहाँ पर आग लग चुकी है, पूरा खेत अभी बर्बाद हो जाएगा। मैं जाके जो है वहाँ पे आग बुझा के आती हूँ। इस मोमेंट पे मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ होने क्या वाला है। यहाँ पर मैं आराम से फूल लगा ही रही थी कि पीछे से आकर क्रीपर फट गया और मैं मर गई, और विलेजर की भी ऐसी की तैसी हो गई। खैर, मैं अपने स्पॉन पे स्पॉन हुई थी, तो विलेज जो है यहाँ से बहुत ज्यादा पास है, तो मैं जल्द से अभी विलेज में चलती हूँ। ओके, तो मैं विलेज पे तो पहुंच चुकी हूँ, बस दुआ है कि मेरा सामान ना जलाओ, वरना मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी सामान बनाने में। और वहाँ पर एक आयरन की सॉर्ड भी थी। ओके, तो मुझे यहीं से दिख चुका है कि मेरा कुछ सामान जल गया और कुछ ही बचा, और आयरन की सॉर्ड तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही, मतलब वो जल चुकी है। ओके, तो मैं अपना सामान लेने जा ही रही थी कि रास्ते में ही मुझे आग लग गई, और यहाँ पर मैं पानी ढूंढ रही जबकि खेत बिल्कुल मेरे साथ है, और मैं पानी में जाने से पहले ही दोबारा मर गई। अब मैं दोबारा से विलेज में जाती हूँ और वहाँ पे जाकर दोबारा से सामान लेती हूँ। मैं दो बार सेम चीज से सेम टाइम पे मर चुकी हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे वापस सामान लेने आई थी, मुझे दोबारा आग लग गया। अबे यार, कितनी बार जल गई मैं। चलो कोई ना, इस बार मेरी आग जो है बुझ चुकी है, अब मैं यहाँ पे जो है ब्लॉक लगाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं जितना सामान था वो सारा तो मैंने ले लिया। ऑफ कोर्स मेरी जो आयरन की सॉर्ड है वो जल चुकी है, और यहाँ पर एक आयरन गोलम घूम रहा था, मैं उसको मारना चाहूँ तो मार सकती, पर वो मुझे मार देगा, क्योंकि माइनक्राफ्ट खेलते खेलते मुझे 3 साल हो चुके हैं और फाइट मेरी आज तक अच्छी नहीं हुई, सिर्फ बिल्ड ही अच्छे बनाती हूँ मैं। ओके, तो 100 डेज चैलेंज मैंने ले तो लिया, पर मुझे नहीं लगता एक वीडियो में कम्प्लीट हो पाएगा, तो मुझे इसके पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। खैर, अभी जो है मैं बाकी के बचे हुए जो घर है वो लूट लेती हूँ। ओके, तो जस्ट ऑन में केव से लाई थी, उस स्टोन से भी मैंने एक एक्स बना ली है। ओके, तो हम लोग इस चेस्ट में देखते हैं। इस चेस्ट में यहाँ पर 3 ब्रेड है और लेदर का आर्मर है, इसको भी ले लेते हैं। लेदर के आर्मर को हम पहन लेंगे। यहाँ पर मैं अच्छा खासा अपना हेबल काट रही थी, पर मुझे वहाँ पर साइड पे थोड़ा सा गोलम दिखा और वो बिल्कुल डैमेज था, मतलब 2-3 हिट का ही होगा वो। मैं उसके पास चली गई कि मैं इसको मार दूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल डैमेज्ड है और पता नहीं वो कितने आयरन देगा। और यहाँ पे मैंने इसको हिट मारा और ये मेरे पीछे आने लग गया। मैं जैसे ही रन करने की कोशिश की तो मेरी गेम लैग करने लग गई और आयरन गोलम ने मुझे मार दिया। ये गेम भी गलत टाइम पर लैग करती है और मैं मरती भी गलत टाइम पर। यहाँ पर 3 बार मरने के बाद रात भी हो चुकी है और हमारा डे 1 कम्प्लीट होने को आया, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है सिवाय विलेज को लूटने के। और मैं जाके अपना सामान ले लेती हूँ इससे पहले कि वो डिस्पोन हो जाए। अभी मैं इस घर में जाके सो जाती हूँ, इस विलेजर को उठाओ और यहाँ पर मैं सो। यहाँ पर डे 2 की शुरुआत में मैंने यहाँ पर से जो बची हुई हेबल्स थी वो काटी, और यहाँ से अभी हम वो ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे फिर से आयरन गोलम दिखा और
फिर से मैंने इसको हिट कर दिया और ये एक हिट में फाइनली मर चुका है। पता नहीं इसमें मुझे कितने आयरन दिए हैं। मुझे इस मोमेंट पे लग रहा था कि मुझे 2 आयरन मिले हैं, पर मुझे रियलिटी में 5 आयरन मिले थे। और ये देख के मेरा डांस करने का मन कर रहा था। यहाँ पर मैं स्केलेटन का कत्ल करती हूँ, ये मुझे गोल्डन हेलमेट दे देता है। यहाँ पर केव में मुझे आयरन दिखते हैं, पर अफसोस वो एक ही होता है, पर कोई बात नहीं, हम माइन कर लेंगे। इसके बाद मैं केव में आ जाती हूँ, जहाँ पर मुझे शायद कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मिनरल्स वगैरह। अभी मैं जो केव के अंदर चलती हूँ और यहाँ पर कुछ छानबीन करती हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ आयरन दिखते हैं और मैं इनको माइन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे और आती हूँ और मुझे यहाँ पर रेडस्टोन और कुछ आयरन दिख जाता है, तो मैं इसको माइन कर लेती हूँ। लेट्स गो, और ऊपर चलते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर मुझे 2 ज़ॉम्बी आते हुए दिख गए हैं। नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगी इनसे। आ जाओ बेटा, तुम लोग आ जाओ। यहाँ पर मैं ब्लॉक निकाली थी, इन्होंने मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं शॉर्ट से इनको मारी। ये ले, अबे इन्होंने मुझे मार दिया यार, 3rd-4th बार मर गई मैं। हाँ नहीं तो ये लोग मुझे समझते क्या हैं। अब मैंने रिवेंज ले लिया, अब मुझे सुकून मिल रहा है। खैर अभी मैं जो आयरन है वो माइन कर लेती हूँ। अभी जो मैं थोड़ा सा आगे जाके और आयरन ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लालच आ रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लास्ट आयरन ले ली और यहाँ पे मैं छोटा सा बेस बना के अपने लिए आर्मर वगैरह बना लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने आयरन का फुल आर्मर बना लिया है, टूल्स भी सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैं एकदम परफेक्ट लग रही हूँ। मैं टोटल 2 दिन से एक केव में बंद हूँ, मेरा दिमाग का दही बन चुका है बिल्कुल, मॉब से लड़ते लड़ते और आयरन माइन करते करते। अब मैं ऊपर जाऊंगी, सुकून से सोऊंगी। ओके, तो मैं वापस ऊपर आ चुकी हूँ। अब तुम सोचोगे मुझे कैसे पता गया डे 3 चल रहा है। मुझे ऐसे पता है क्योंकि मैं जब मर गई थी तो मैं वापस ऊपर आई थी, तब रात हो रही थी और 2 दिन तो गुजर ही चुके हैं। आई नो डैट, बिकॉज मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी है और अभी मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है वीडियो बनाने में। यार बहुत मेहनत लग रही है, लाइक कर दो। खैर अभी जो है हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के देखते हैं हमने क्या करना है। आई मीन बेस बनाना है, क्योंकि मुझे घर भी तो चाहिए रहने को। हमें सारे रात ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते दिमाग खराब हो जाता है यार। मैंने यहाँ पे जगह तो डिसाइड कर ली है जहाँ पे मैं अपना घर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे चेस्ट बनानी होगी, जो भी मेरे पास फालतू का सामान है वो रखने के लिए। और उसके लिए भी मेरे पास लकड़ी नहीं है, मुझे जाके लकड़ी लेके आनी पड़ेगी। अभी जो है मुझे घर बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ी चाहिए, तो वो सारी लकड़ी कलेक्ट करने के लिए मैं जंगल में आ चुकी हूँ। अभी मैं डार्क ओक के जंगल में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे डार्क ओक की भी जरूरत है। तो अभी जो है मैं लैंड को सही कर ही रही थी कि बारिश हो गई और उसके बाद रात भी हो गई है। तो यहीं पर हमारा जो डे 6 है वो कंप्लीट होता है और हम जाके अभी सो जाते हैं। लेट्स गो ज़ू। ये अभी मैंने क्या किया, मैं अपना घर बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, पर मुझे माइनक्राफ्ट के 7 दिन लगे थे इस घर को कंप्लीट करने में। तो तुम ये क्लिप्स एंजॉय करो जो कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है। हमारा घर फाइनली बन चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें इस घर का टूर भी करवा देती हूँ और ये घर कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे पहले हम लोग नीचे वाले रूम से शुरुआत करते हैं। हम इसके अंदर जाते ही हमें दिखेगा एक खेत दिखेगा। यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर बीज लगाए हुए हैं, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी होती है। यहाँ पर मैंने एकदम पर्सनल तबेला बनाया है जहाँ पर मेरे जानवर वगैरह रहते हैं और यहाँ पर स्टोरेज रूम भी है। ओके, तो अभी ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ पर एक बालकनी है जहाँ पर मस्त व्यू हम देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, पर 100 डेज की सीरीज में बहुत कुछ बन जाएगा। और यहाँ पर अंदर एंटर होते ही यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज रूम जहाँ पर बैरल्स वगैरह लगे हैं और ये बैरल्स में सामान भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा बेड है जिसपे मैं मस्त फैल के सोती हूँ। और फर्नेस, एनविल वगैरह ये कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं। इसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं। आई ना, देखने में थोड़ा बड़ा लगता है पर है छोटा, पर 100 डे की सीरीज़ में हम ऐसे ऐसे घर बनाएंगे ना, किसी ने सोची ना होगी। ओके, तो हमारी 100 डेज की सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करते रहना। अभी एक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। बाय।